हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल शिवा लर्निंग। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होंगी जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए, अप्रैल वाले के लिए। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई कि कैसे डिसाइड करें जिन्होंने जनवरी का एग्ज़ाम दे दिया वो अप्रैल में दे या ना दे। सो मेक श्योर यू हैव चेक्ड इट आउट। और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने वीडियो को टॉपिक रखा है कि कुछ मोटिवेशनल सेंस में है, कुछ मैं ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ ऐसे फंडास बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इन लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं इन पॉइंट्स में ही आपको कुछ बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, यू विल गेट सम नॉलेज लाइक वट टू डू और वट नॉट टू डू। सो मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, ये टॉपर्स की तरफ से ये बातें हैं सारी। मैं सारे टॉपर्स ने जो जितने भी अपने इंटरव्यूज़ में जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने जो जो बातें बोली है उनको मैं एक जगह इकट्ठा करके लाया हूँ और आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट इज़ क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी। सो इस पॉइंट्स का मेन मकसद क्या है मेरे को आपको बताने का, चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू जेई मेन 2017 टॉपर वासु जैन, द क्वालिटी ऑफ स्टडी शुड मैटर नॉट द क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स, यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड और प्रैक्टिस इंस्टीड ऑफ फॉर हाउ मैनी आवर्स यू आर स्टडिंग। एज पर वासु, ही डिडंट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड ही मेजर्ड हिज स्टडी टाइम बाय हाउ मैनी टॉपिक्स ही हैज कंप्लीटेड रादर देन द हाउ मैनी आवर्स ही हैज स्टडीड फॉर। तो गाइस सबसे पहले मैं यही बात बताना चाहूँगा कि आप क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करें। आप यहाँ पर वासु जैन ने काफ़ी अच्छी बात बोली है कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं कितने टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल भी नहीं फॉलो करा, बट मैं ये चीज़ देखता था जब भी आप पढ़ो तो ये फोकस करो कि मैंने कितने चैप्टर कम्प्लीट कर लिए, यानी ये नहीं कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई कर ली। सो टाइम को थोड़ा इग्नोर करके चलो, क्वालिटी देखो, क्वान्टिटी मत देखो। अगर आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आप पूरे दिन लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे यू शुड थिंक दैट कि मैंने कितने चैप्टर कवर कर लिए। यही नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई करी, ओ वाव, दैट डजंट मैटर। यू आर गोइंग टू बी अ आईआईटी एंड यू आर गोइंग टू बी अ इंजीनियर लाइक। सो आपकी एक आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि थोड़ी ये चीज़ें लाइक ये मैच्योरिटी वाली चीज़ें नहीं होती है कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी। तो इस चीज़ को थोड़ा छोड़िए, इसकी आदत थोड़ी छोड़ दीजिए। ऐसी सेकंड पॉइंट पर आते हैं गैस। जो भी वोकैबलरी में ऐसे मिस्टेक्स हो रही है इन्हें इग्नोर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। आर्टिकल आपके सामने है, आप भी थोड़ा ओके। टू कंप्लीट द चैलेंज ऑफ IIT JEE यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन टिप्स फॉर IIT JEE फ्रॉम टॉपर्स। अप्रॉक्स 90% ऑफ टॉपर्स स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड और इवन बिफोर दैट। तो मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि आप 11th से अपनी पढ़ाई करिए, वैसे क्योंकि अभी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपके 12th के भी एग्ज़ाम होंगे, तो अब तो वो चला गया। बट ये एक टॉपर्स जो कहते हैं अप्रॉक्स 90% टॉपर्स ये कहते हैं कि हमने 11th से पहले स्टार्टिंग कर ली थी। ये बी एन अर्ली बर्ड का मतलब है अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपके पास, जो लास्ट 3 मंथ्स है यही लास्ट 3 मंथ्स आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करवाते हैं, बिलीव मी। बिकॉज क्या होता है ना, जो बच्चे पूरे साल मेहनत कर रहे हैं लास्ट के अगर इन 3 मंथ्स में अगर उन वो गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं या फिर उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, तो और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल उतनी पढ़ाई नहीं करते बट लास्ट के 3-4 मंथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। कैसे? अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके और रेगुलर प्रैक्टिस करके, एक अच्छा शेड्यूल बना के पढ़ाई करते हैं और काफ़ी अच्छा वो स्कोर कर लेते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये तो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए, मैं खाली JEE के लिए नहीं बोलूँगा, नीट, JEE, सारे एग्ज़ाम, इवन बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये रूल अप्लाई होता है। इसमें लिखा गया है ये भी सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये किसी ना किसी टॉपर्स के उससे हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। फॉर देवादित्य परामनिक, ऑल इंडिया रैंक 38 इन 2017, स्पीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द IIT JEE एग्जाम बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर हाई एंड यू नीड टू सॉल्व देम इन अ लिमिटेड टाइम। अकॉर्डिंग टू देवादित्य परामनिक, द स्पीड कैन बी डेवलप्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस। सो क्या करें, जो लास्ट के 3 मंथ बचे हैं ना, प्रैक्टिस ऐसे ही कर लीजिए कि
कोई क्वेश्चन अनटच ना रहे। आप प्रैक्टिस, मैं इस पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कैसे लास्ट के 3 मंथ्स में नीट और जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करें, कैसे प्रोडक्टिव बनाए उस प्रैक्टिस को, और जिससे आउटकम बहुत अच्छी आए, आपकी आउटपुट बहुत अच्छी आए। तो स्पीड का काफ़ी ध्यान रखिए, और ये कैसे होगा, रेगुलर प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करिए। अगर आप लास्ट के 3-4 महीने में सोशल मीडिया और उन सब चीज़ों से दूरी बना लेंगे ना, तो आई गारंटेड मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू प्रणव गोयल फ्रॉम पंचकूला हरियाणा, द जेई एडवांस 2018 टॉपर, द अंडरस्टैंडिंग विद कंसेप्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन IIT जेई एग्जाम। इन दिस एग्जाम यू कैन नॉट पास विद द मग्ड अप नॉलेज। अमन बंसल, ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेई एडवांस 2016, ऑल्सो बिलीव दैट यू शुड बी हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद द कंसेप्ट टू स्कोर वेल इन IIT जेई एग्जाम। तो बेसिकली इन्होंने क्या बात बोली है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल स्टडी कर लिए, ना कि वही जो पहला पॉइंट था, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। तो कंसेप्ट आपके इतने बेसिक सारे, आप कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने कि आप कोई से भी उससे जुड़ा हो, कोई सा भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन ईजिली सॉल्व आउट कर सके। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए सारे बेसिक्स कोर्स, सारे बेसिक्स जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने वैसे हर इन टॉपिक पर भी सिंगल सिंगल एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट में मैं काफ़ी फोकस करता हूँ सारे एग्ज़ाम्स के लिए कि आपको मॉक टेस्ट प्लीज़ ज़रूर देने चाहिए, और सैम्पल पेपर से भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे होता क्या, आपको एक आइडिया आ जाता है, आपको पैटर्न पता चल जाता है, आपको अपनी रियलिटी पता चल जाती है, मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, और क्या क्या चीज़ में मैं अच्छी हूँ, किस चीज़ में बुरी हूँ, मतलब कहाँ पर मैं अच्छा दे सकता हूँ अपना, कहाँ पर मैं कौन से क्वेश्चन जल्दी कर लेता हूँ, कौन से क्वेश्चन को टाइम करने में मुझे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ही पता चलती हैं। तो ये सारे रूल्स हैं ना, आप प्लीज़ इन्हें फॉलो कर लीजिए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेस फ्री स्टडीज़। ये तो भाई बेसिक एक नीड है हर स्टूडेंट की, चाहे वो JEE का एग्ज़ाम दे रहा हो, नीट का दे रहा हो, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो जो भी काम करे स्ट्रेस फ्री होके करे। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इससे आपका ही नुकसान है। भरत खंडेलवाल, ऑल इंडिया रैंक 5, 2015, फोकस्ड ऑन स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन फॉर IIT JEE। इज एडवाइस टू द फ्यूचर IIT JEE एस्पिरेंट्स इज टू टेक अ स्मॉल ब्रेक वाइल स्टडिंग द सेम सॉर्ट ऑफ एडवाइस इज वासु जैन गिव्स। एज पर वासु जैन, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन वन सब्जेक्ट दैट डोंट टेक द प्रेशर एंड ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। अच्छा, ये बात भी मैं बोलने वाला था, और मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोज में भी बता रखी कि अगर आप जैसे कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में मैंने टाइम स्लैब्स बताए हुए थे कौन से टाइम पर क्या पढ़ें, अगर आप मॉर्निंग में कुछ पढ़ रहे हैं और आप अगर उससे बोर हो जाते हैं, तो ये नहीं कि क्विट कर दें, अब नहीं पढ़ना, चलो छोड़ो। आप एक ऑप्शन है आपके पास, आप दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाएँ, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, दूसरी बुक उठा लें, सेम सब्जेक्ट के दूसरे ऑथर की बुक उठा लें, उसको पढ़ लें आप। मतलब बोर होते तो आप स्ट्रेस मत लीजिए यार, नहीं हो रहा, मतलब क्विट मत करिए, गिव अप मत करिए, और देन आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टडी मटेरियल। JEE प्रिपरेशन टिप्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड टॉपर्स इंक्लूड फॉलोइंग द बेस्ट IIT JEE बुक्स। तो स्टडी मटेरियल का मतलब यही है, आपके पास जो बुक्स होनी चाहिए ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, काफ़ी वेल नोन ऑथर्स की होनी चाहिए, और NCERT तो फॉलो करनी ही करनी है। उसके साथ ही जो भी आपका स्टडी मटेरियल, सारा अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी लोकल कोचिंग सेंटर पे बिलीव नहीं कर सकते कि ये हमारी बुक्स है और उनकी बुक से ही आप प्रिपरेशन करें, नहीं, आप कुछ अच्छा परचेज करिए और उससे प्रैक्टिस करिए। वाइंडिंग इट अप, सो देयर वर अ फ्यू सजेशन दैट IIT JEE टॉपर्स वांट टू कन्वे टू अदर IIT JEE एस्पिरेंट्स। बिफोर फॉलोइंग एनी ऑफ देम, रिमेंबर दैट ऑल द IIT JEE टॉपर्स हैड देयर ओन स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन। यू टू कैन डेवलप योर ओन वे ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE बाई टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर आइडियाज। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी एग्जाम, फील फ्री टू राइट अस इन द कमेंट बॉक्स, वी विल आंसर। तो बस मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आउट है तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और ऐसी वीडियो मुझे करनी चाहिए या ओनली न्यूज़ वाली करनी चाहिए, क्योंकि कुछ
स्टूडेंट्स को खाली न्यूज़ चाहिए होती है कि हमें बस अपडेट देते रहिए, और कुछ मैं ऐसी टिप्स भी देता रहा हूँ आपको, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँ, कुछ मोटिवेट करता रहूँ जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो। तो मुझे कमेंट करके बताएं ऐसी वीडियो में अपलोड करूँ या ना करूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद यू ऑल योर फ्रेंड्स। एंड ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारी।